हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अलग अलग तरीके की स्टाइल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी स्टाइल्स है वो आप किसी भी पार्टी फंक्शन में, शादी में वेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की बनारसी सिल्क साड़ी है, पट्टू साड़ी है, तो इसके साथ में भी आप इस तरीके के अलग अलग लुक ट्राई कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। दुपट्टे के साथ भी हम कुछ स्टाइल्स ट्राई करेंगे। सो चलिए, ज़्यादा देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी। सो इस तरीके से ग्रीन कलर का इसका बॉर्डर का पोर्शन है, बीच में भी आप देख सकते हैं कि ये साड़ी थोड़ी सी गोल्डन और वाइट कलर की है, और ग्रीन कलर का इसका बॉर्डर का पोर्शन है। सो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो देखिएगा, यहाँ पर ये वाली जो साड़ी ड्रेपिंग है, मैंने पहले ही इसका वीडियो शेयर किया था। सो यहाँ पर मैं ये वीडियो नहीं आपको दिखाने वाली। आपको अगर ये देखना है तो आई बटन में ऊपर लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप ये वीडियो देख भी सकते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो की फर्स्ट स्टाइल की तरफ। सो देखिएगा, जो हमने फर्स्ट स्टाइल बनाया था उसी तरीके की जो ड्रेपिंग है वो हम रखेंगे नीचे से, जो भी प्लीट्स हमने अरेंज किए थे उसको। अभी यहाँ पर सिर्फ पल्लू का जो पोर्शन है उसको मैं निकालना चाहूँगी, और निकालने के बाद यहाँ पर पल्लू के जो शोल्डर पर प्लीट्स हमारी बन चुकी है वहाँ पर मैं एक पिन लगा लूँगी। बाद में इसको हम सामने की तरफ लेकर आएंगे पल्लू को, और सामने की तरफ लेकर आने के बाद लेफ्ट वाले साइड से यहाँ पर अब हम इसको इस तरीके से अच्छे से अरेंज कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारी जो प्लीट्स है, पल्लू का जो पोर्शन है, वो यहाँ पर बनना चाहिए। सो सामने की जो हमारी सेंटर प्लीट्स है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर अरेंज हो चुकी थी। तो वो ट्रिक्स मैंने जो है तो पहले वाले वीडियो में बताई हुई है। सो इसी तरीके से सेंटर प्लीट्स को तो हमने निकाला नहीं था, सिर्फ पल्लू का जो पोर्शन है उसको अलग स्टाइल में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो यहाँ पर देखिएगा, कुछ इस तरीके से नीचे से भी हमें क्या करना है, अभी जो हमारी प्लीट्स बनी है उन सारी प्लीट्स को नीचे से फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक साइड में हमारे रिंकल्स बन जाते हैं। सो ये रिंकल्स आने में बहुत ज़्यादा अच्छा लुक हमारा यहाँ पर एक तरफ से दिखाई देने लगता है। अब जो मैंने यहाँ पर पिन निकाल ली थी, जो यहाँ पर ये सेकंड ड्रेपिंग हम देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो की फर्स्ट ड्रेपिंग, तो ऊपर की पिन मैंने निकाल दी थी, हमने जो सेंटर प्लीट्स को लगाई थी वो वाली। सो यहाँ पर अब हम पिन भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक है उसको भी अच्छे से सेट करेंगे। अभी शोल्डर पर मैं एक पिन लगाना चाहूँगी, पल्लू को सेट करेंगे सामने से, और इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे रिंकल्स आएंगे, जो भी हमारी प्लीट्स है, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देनी चाहिए। सो ये कुछ इस तरीके से आएंगी, और हमारे जो सामने के प्लीट्स है वो भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। सो नीचे से आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक यहाँ पर हमारा आया है। प्लीट्स एकदम से परफेक्टली यहाँ पर लगने चाहिए। अगर प्लीट्स अच्छी तरीके से दिखाई देंगे तो ही ये ड्रेपिंग अच्छी दिखाई देती है। अभी देखिएगा, पल्लू का जो पोर्शन है, सो इसको कॉर्नर से हम लेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से इसको ऊपर का कॉर्नर पकड़ेंगे, और कॉर्नर को पकड़ने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर इसको रिंकल्स में कुछ अरेंज कर लेंगे। वी प्लीट्स हम यहाँ पर अरेंज करेंगे, और प्लीट्स को अरेंज करने के बाद जो हमने फर्स्ट वाला पल्लू बनाया था उसके नीचे अब मैं इसको रखना चाहूँगी, और पिन लगाकर हम इसको सेट भी कर लेंगे। सो पल्लू का पोर्शन आप देख सकते हैं एक तरफ से ग्रीन कलर का आया है। सो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पल्लू के पोर्शन के नीचे हमें पिन लगाकर इसको सेट करना है। सो बहुत ब्यूटीफुल ये ड्रेपिंग लगती है, बंगाली ड्रेपिंग का ही न्यू अलग वर्जन हम इसको कह सकते हैं। सो देखिएगा, इस तरीके से ये आएगा, और जो भी प्लीट्स हमने अरेंज की हुई है उन सारी प्लीट्स को अब हम यहाँ पर इसको अरेंज करते हुए और ऊपर से एक वेस्ट बेल्ट यहाँ पर लगा लेंगे। सो ये कुछ इस तरीके का आएगा। ये वाली जो प्लीट हमने सेंटर प्लीट्स है उसको हमें थोड़ा सा राइट साइड में घुमा लेना है, और ये ऊपर से ये वाली जो प्लीट्स आती है पल्लू की, उसके नीचे ये जो प्लीट्स है सेंटर प्लीट्स, वो दब सकती है, इसलिए राइट साइड में थोड़ा सा घुमाएंगे, और बाद में कुछ इस तरीके से इसका जो फाइनल लुक है हमारा यहाँ पर बन जाता है। सो फाइनली ये लुक बहुत ब्यूटीफुल लगता है। पीछे से अगर आप पल्लू रखना चाहते हैं तो पल्लू भी रख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल ये लगती है, और अलग तरीके का ही लुक हमारा यहाँ पर आता है। नीचे की जो प्लीट्स होती है वो थोड़ी सी अगर हम बराबर बना ले, अच्छी तरीके से सेट कर ले, तो आपकी जो ड्रेपिंग है वो ईजीली बन जाएगी, और बहुत ब्यूटीफुल भी ये लगेगी। क्योंकि किसी भी फंक्शन के लिए अगर वही वही साड़ी पहनकर हम बोर हो जाते हैं
तो कुछ अलग अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सो ये था फर्स्ट ड्रेपिंग। अब हम चलेंगे सेकंड स्टाइल की तरफ। सो देखिएगा यहाँ पर जो पल्लू का पोर्शन है उसको मैंने निकाल दिया फिर से। अभी निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, ये वाला जो पल्लू का पोर्शन है उसको लेफ्ट वाले शोल्डर पर ही डालेंगे, लेकिन पीछे से डालेंगे, ठीक है। सो देखिएगा इस तरीके से पीछे से डालेंगे। जो भी अभी साड़ी की सीधी वाली जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गले की तरफ चली जाती है, और यहाँ पर पीछे से ये कुछ रिंकल्स इस तरीके से आने लगते हैं। और रिंकल्स आने के बाद अब जो भी हमने सेफ्टी पिंस लगाई थी सामने की तरफ वो मैंने निकाल दी है। सो इस तरीके का ये लुक आएगा। नीचे की जो सेंटर प्लेट्स थी उसको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अभी शोल्डर पर मैं एक पिन लगा लूँगी, पल्लू को सेट कर लूँगी। अब ऊपर की जो बॉर्डर है सो देखिएगा कुछ इस तरीके से आएगी। सो इसको हम ऊपर की तरफ रख देंगे, और पहले तो यहाँ पर नीचे के जो भी हमारे प्लीट्स है या फिर सेंटर प्लीट्स है, आपको जहाँ पर लगता है कि एडजस्ट करना ज़रूरी है, सेट करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर सेट करना है। और बाद में इस तरीके से अब जो ऊपर की बॉर्डर है उसको हम पकड़ेंगे, ये नीचे की जो बॉर्डर है उसको नहीं लेना है, ऊपर की बॉर्डर लेंगे। और पीछे से अब हमें इसको कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ करना है। सो इस तरीके से हम इसको लेंगे और खींचते हुए इसको अब हमें लेफ्ट साइड से लेते हुए आना है। यहाँ पर भी हमारे प्लीट्स बनने चाहिए। सो पल्लू की जो प्लीट्स है वो भी यहाँ पर अरेंज होने चाहिए, कुछ नीट एंड क्लीन यहाँ पर लुक आए उस तरीके का हमें ध्यान देना है। ऊपर की जो बॉर्डर है वो भी ज़्यादा खींचनी नहीं चाहिए। सो इस तरीके से लुक आए। और बाद में यहाँ पर अब जो सेंटर प्लीट्स बनाई थी उसके नीचे हम यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगाते हुए इसको सेट कर लेंगे। सो देखिएगा इस तरीके से। सो लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं कि ये वाला लुक कितना अच्छा आया है, और टमी वगैरह का पोर्शन भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हाइड भी हो जाता है। अब जो प्लीट्स हमने बनाई थी उन सारी प्लीट्स को अब मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा कर, यानी कि जो ब्रोच वाली पिन लगाई थी उसी को फिर से लगा लूँगी। सो फाइनल जो लुक है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये वाली जो बॉर्डर है इसको भी यहाँ पर हमें एक सेफ्टी पिन ज़रूर लगा लेनी है। देखिएगा नीचे की जो बॉर्डर है ये वाली, सो इसको मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा ली। इसके ऊपर ये वाली जो प्लीट्स है वो यहाँ पर दिखाई देने लगती है। सामने के फ्रंट प्लीट्स कुछ इस तरीके से आने लगते हैं, और पल्लू का जो पोर्शन है आप देख सकते हैं कुछ रिंकल्स यहाँ पर इस तरीके से बनने लगते हैं। जो भी यहाँ पर अभी पल्लू का पोर्शन है वो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आया है। और बाद में एक वेस्ट बेल्ट हम यहाँ पर ज़रूर लगा लेंगे, पीछे का पल्लू का पोर्शन हमने नहीं लिया है इसमें। सो इस तरीके से ये फाइनल लुक आया है। ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। देखिएगा यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से रिंकल्स हमारे आए हैं। सो इस ड्रेपिंग में हमें रिंकल्स यहाँ पर दिखाई दे उसका ध्यान देना है, और सामने की तरफ जो पल्लू का पोर्शन हम सेट करते हैं वो भी नीट एंड क्लीन आए उसका भी ध्यान देना है। और एक वेस्ट बेल्ट लगाने के बाद इस पर चार चांद लग जाते हैं, बहुत सुंदर ये लुक लगता है। अब हम चलेंगे हमारे लहंगा स्टाइल्स की तरफ, लेकिन हम इसको दुपट्टे के साथ कैरी करने वाले हैं। सो देखिएगा यहाँ पर साड़ी का जो एंड वाला पोर्शन है उसको मैं लूँगी, और यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स में इसको अरेंज करना चाहूँगी। सो प्लीट्स आप देख सकते हैं कि एक जैसे प्लीट्स हमें यहाँ पर बनाने हैं, बड़े बड़े प्लीट्स बनाएंगे लेकिन एक जैसे बनाएंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े इस तरीके से प्लीट्स हमें नहीं अरेंज करने हैं। और सबसे पहले तो पूरी जो साड़ी है पूरी साड़ी के यहाँ पर प्लीट्स में अरेंज कर लेना है। पल्लू का पोर्शन भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और कोई भी स्कर्ट हो सो वो ज़रूर वेयर कर लीजिएगा। स्कर्ट वेयर कर लेने से यहाँ पर एक फ्लपीनेस हमारी आती है। कनकन स्कर्ट है या फिर कोई भी आपके पास नॉर्मल स्कर्ट है वो भी वेयर कर सकते हैं। अभी प्लीट्स बनाने के बाद उन सारी प्लीट्स को हमें एक जैसा यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है। सो देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। सो इस तरीके से अगर आप नीट एंड क्लीन प्लीट्स बनाते हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन आपका लुक यहाँ पर आने वाला है, और ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये साड़ी से क्रिएट किया हुआ है। सो देखिएगा कोई भी लहंगा तो सबसे पहले हम वेयर कर ही लेंगे, और उसके बाद में अब हम यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट साइड से पीछे की तरफ से यहाँ पर प्लीट्स को टक इन करना स्टार्ट करेंगे। सो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। सो इस तरीके से अब हम इसको वन बाय वन इन सारी प्लीट्स को टक करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्लीट्स हमारी छूट सकती है हाथ से। सो यहाँ पर जो भी वो कोई पिन आती है टिकटॉक की वगैरह, कपड़े सुखाने की पिन है, उससे आप इन सारी प्लीट्स को पहले सिक्योर ज़रूर कर लीजिएगा। बाद में दो तीन प्लीट्स छोड़ना है, और छोड़ते छोड़ते कुछ इस तरीके से फिर वन बाय वन हम कमर में इन सारी प्लीट्स को
टक इन करते हुए जाएंगे, कुछ इस तरीके से हम इसको टक इन करेंगे। सो देखिएगा, वन बाय वन हमें इसको टक इन करते हुए जाना है। सामने की तरफ से हमारा जो लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। सो वन बाय वन प्लीट्स को हम अरेंज करेंगे और एक जैसा हमारा लुक आएगा तो बहुत अच्छी तरीके से ये लहंगे का जो ड्रिपिंग है वो लगता है। सो सामने की तरफ से और पीछे से पूरा कमर का जो पोर्शन है उसको हमें इसी तरीके से वन बाय वन अरेंज करते हुए जाना है, टक इन करते हुए जाना है। और इन सारी प्लीट्स को अगर कम ज़्यादा लगता है, पीछे से कम प्लीट्स आ रही है, तो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इन सारी प्लीट्स को बनाने के बाद आप चाहे तो ऊपर से सेफ्टी पिन्स भी लगा सकते हैं। इससे होगा ये कि हमारी जो प्लीट्स बनाई है, अगर हमें दिन भर ये ड्रेपिंग इसी तरीके से रखनी है तो ये निकलेगी नहीं, ये कुछ इसी तरीके से रहेंगी। सो एक प्यारा सा लहंगा हमारा यहाँ पर बन जाता है। और एक ही तरीके की लहंगा पहन कर भी हम बोर हो जाते हैं, सो अलग अलग साड़ी के साथ भी हम इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं सो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका लुक ये लगेगा। सो वन बाय वन हम इसी तरीके से इसको बनाते जाएंगे। सो ये तो हो गया सामने का लुक, अभी पीछे से भी हम इसी तरीके से किसी की हेल्प लेते हुए आप ज़रूर इसको बना लीजिएगा। सो देखिएगा फाइनल कुछ इस तरीके से आएगा। ग्रीन कलर का जो पोर्शन है वो यहाँ पर इस तरीके से हम सेफ्टी पिन से यहाँ पर लगा लेंगे, दोनों फैब्रिक जहाँ पर मिल जाती है वहाँ पर। तो फाइनल हमारा लहंगे का जो लुक है वो यहाँ पर इस तरीके से बन चुका है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा जो लहंगा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक दुपट्टा लेंगे। सो इस दुपट्टे को आप जिस तरीके से कैरी करना चाहे उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। सो देखिएगा इस तरीके से अगर आप सिंपली रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मैं अलग दिखाना चाहूँगी। तो देखिएगा जो भी दुपट्टा हमारा है उसकी जो बॉर्डर है, सबसे पहले तो बॉर्डर को अब हम कुछ इस तरीके से प्लीट्स में यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। वन बाय वन हमें यहाँ पर इसको अरेंज कर लेना है। सो अच्छे से अब हम अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पर इसको सेफ्टी पिन्स लगाकर एक परफेक्टली हमारा पल्लू का पोर्शन, जो भी हमारे बॉर्डर है दोनों दुपट्टे की दोनों तरफ से आई हुई, सो उसको भी इसी तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे और सेफ्टी पिन लगाते हुए इसको इसी तरीके से सेट करते हुए जाना है। सो अच्छे से हमें एक पल्लू का जो पोर्शन है वो यहाँ पर इसी तरीके से सेफ्टी पिन्स लगाते हुए एक अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आपके दुपट्टे का फैब्रिक थोड़ा सा रफ है तो आप इसको हाथ से भी अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। सो इस तरीके से दुपट्टा बना लेना है और बनाने के बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको सिंपली रखेंगे, लेफ्ट वाले शोल्डर पर यहाँ पर पिन लगा लेंगे और बाद में ये दुपट्टा इस तरीके से रखने के बाद एक वेस्ट बेल्ट ज़रूर लगा लेंगे। सो फाइनल जो लुक है हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी। सो देखिएगा कितनी अच्छी लुक हमारा यहाँ पर आया है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रहा है। अब हम देखिएगा यहाँ पर सेकेंड स्टाइल देखेंगे दुपट्टे की। तो पीछे से हमें दुपट्टा कुछ इतना रखना है और सामने से दुपट्टे का पोर्शन कुछ इतना लंबा रखेंगे, ठीक है। अब रखने के बाद शोल्डर पर पिन लगा लेंगे और बाद में नीचे के जो भी प्लीट्स हमने बनाए हैं, जो भी पिन हमने लगाई है सेफ्टी पिन्स, उन सारे पिन को निकाल लेंगे। सामने से हमें बड़ा लंबा पल्लू इस तरीके से रखना है फैब्रिक को और इस तरीके से लेंगे अभी और इसको पीछे से हम सामने की तरफ लेकर आएंगे। सो ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए और आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट ज़रूर कर लेंगे और सेट करने के बाद ये वाले जो टैसल का भी पोर्शन है सो इसको हम लेंगे और यहाँ पर मैं टक इन करना चाहूँगी या फिर एक सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। थोड़ा सा अंदर की साइड में हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लीट्स में अरेंज कर लेंगे। जो भी फैब्रिक हमारी यहाँ पर आती है, जो भी थोड़ी सी लूज़ फैब्रिक होती है उसको, और बाद में अभी पीछे से ये वाला फैब्रिक यहाँ पर खींचेंगे और ऊपर की जो फैब्रिक है आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो बॉर्डर का पोर्शन आता है सो ये यहाँ पर थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। सो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से खींचना है और खींचने के बाद यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है। सो हमारा फैब्रिक भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और उसके साथ में एक हमारा अलग स्टाइल भी यहाँ पर लगेगा दुपट्टे का। और फाइनली यहाँ पर नेट एंड क्लीन हमने सेट करने के बाद एक वेस्ट बेल्ट इस पर भी लगा लेंगे और फाइनल हमारा जो लुक है वो यहाँ पर बन जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ पर जो भी हमारी लूज़ फैब्रिक है उसको अच्छे से सेट करना है।
सो फाइनली हमारा ये लुक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वाले जो दुपट्टे का स्टाइल बनाया था उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो ये वाला भी बना सकते हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है और नीचे से ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। सो देखिएगा पीछे से भी ये इस तरीके से आएगा और कोई भी इसको वेयर कर सकता है। साड़ी के साथ में हमने वेयर किया हुआ है, ऐसा भी नहीं लगेगा। नीचे से कंप्लीट हमारा लहंगे का लुक आ जाता है, ऊपर से भी दुपट्टा आ जाता है, सो इसकी वजह से ये बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है। सो देखिएगा अब हम चलेंगे हमारे थर्ड स्टाइल की तरफ। सो दुपट्टे को हमें कुछ इस तरीके से लेना है। ये वाली जो स्टाइल है, अगर आप अनमैरिड गर्ल वगैरह है उनको ये बहुत पसंद आएगी, थोड़ा सा अलग तरीके का हटके स्टाइल हम कह सकते हैं इसको। सो देखिएगा दुपट्टे को कुछ हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है बस्ट पर। पीछे से जो भी हमारी दोनों तरफ की फैब्रिक आएगी वो बराबर की होनी चाहिए। जो भी सेफ्टी पिन से मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, अब इन दोनों को इस तरीके से क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद सामने की तरफ लेकर आएंगे और लेकर आने के बाद यहाँ पर हम इसको खींचेंगे। सो खींचने के बाद दोनों जो एंड वाले पोर्शन है उसको इस तरीके से लेकर यहाँ पर हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। सो हमारी जो स्लीव्स वगैरह है वो भी यहाँ पर दुपट्टे के साथ बन जाती हैं। और एक कोई भी ब्रोच की पिन आप इसको लगा लीजिएगा। सो इस तरीके का फाइनल लुक ये हमारा बन जाता है। नीचे की तरफ हमारा घाघरा होता है और ऊपर की तरफ ये टॉप बन जाएगी आपके दुपट्टे के साथ में। सो आप देख सकते हैं कि फाइनल हमारा लुक कितना अच्छा यहाँ पर आया है। सो ये वेस्टर्न स्टाइल हम कहेंगे। तो आपको इन स्टाइल में से कौन सी स्टाइल ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।